हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं ओडिन की कुकिंग दिखाऊंगी आपको, और आज वो दिन आ गया है फाइनली। तो पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ इवान क्या कर रहा है। देखो, इवान अपना टीवी में लगा हुआ है, इसका यही काम है। टीवी चल रहा हो तो बस टीवी टीवी टीवी। इवान से हेलो टू द कैमरा। उसका खाना यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे उसको बैठना नहीं है, उसको घूमते घूमते खाना है। आई ओ दी, मसाले ढूंढ रहा है। ओके, मिस्टर ओडिन लगे हैं काम में। इस सब्जी को चाइनीज लेटिस बोलते हैं, और ये लेटिस का स्टेम है। अगर इंडिया में किसी ने देखी है ये तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब ये सब्जी को छीलने में बहुत मुश्किल होती है, यानी बहुत मोटी इसकी स्किन रहती है। इवान इतना बोर हो रहा है, हमको देखता रहता है किचन से हमेशा। जब भी हम खाना वाना बनाते हैं बस यही करता है, यहीं खड़े रहता है। कभी कभी टीवी के पास चला जाता है, कभी कभी देखता है हमको आके, हम क्या कर रहे हैं, हम हैं कि नहीं। अब ओडिन इसको पतला पतला काट के सीख में डालने वाला है कबाब के जैसे। तो फ्रेंड्स, ये सेशुआन फूड बना रहा है, यानी सेशुआन आपने सुना है कभी? सेशुआन जो हमारे होता है ना, सेजवान फ्राइड राइस, सेजवान नूडल्स, वो सेशुआन का नाम चेंज करके सेजवान कर दिया है, लेकिन होता वो यही है। यहाँ पे सेशुआन फूड एकदम लाल लाल होता है, आपको आगे पता चलेगा। अभी कुछ तो सीख में डाल दिए इसने। सीख में डालना इतना आसान नहीं है, एकदम बीच में से निकलना चाहिए, नहीं तो फिर वो टूट जाएगा पकाने के टाइम। तो मेरे ख्याल से ये सबको सीख में डाल के, जो अभी आपने उबलता हुआ पानी देखा ना, उसमें उबालने वाला है, और वो पानी में अपना अलग ही फ्लेवर होगा। ये यहाँ पे चिकन और सी वेजिटेबल पड़ी हुई है, और सी वेजिटेबल मुझे कुछ खास पसंद नहीं, ओडिन को पसंद है। अबू अब ये है बैम्बू शूट्स। मैंने इंडिया में कभी नहीं देखा किसी को खाते हुए ये, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने बताया था कि हाँ मिलता है, उनके यहाँ पे भी खाते हैं, अचार वगैरह बनाते हैं इसका। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड, मुझे और बताइए इसके बारे में। अब ये ऐसी चीज़ है ना, एकदम न्यूट्रल फ्लेवर है इसका, किसी भी सॉस या ग्रेवी में डालो उसका फ्लेवर खींच लेता है अंदर। तो इसको किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं खाने में, बारबेक्यू में, ऐसे किसी तरी में, अचार में। अभी हम लोग ज़्यादातर चिकन ही खाते हैं घर में, इसलिए इसने चिकन लिया है, लेकिन सेशुआन हॉट पॉट बाकी जो भी दूसरी कुकिंग होती है उसमें बहुत टाइप के मीट्स यूज़ होते हैं, पोर्क, बीफ, लैम्ब वगैरह, लेकिन हम लोग यही यूज़ करते हैं चिकन घर पे। मैं तो बोलना भूल ही गई, आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए नोटिफिकेशन के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। अभी जस्ट क्या हुआ मैंने आपको दिखाया नहीं, ये जो सीख है हमारे कम पड़ गए, हमारे पास बहुत सारे सीख थे लेकिन पुराने घर पे छूट गए, तो चिकन के लिए कम पड़ जाएंगे, इसलिए हमने जो वेजिटेबल इतने मेहनत से ओडिन ने इसके अंदर लगाई थी वो सारी निकाल के यहाँ रख दी। देखो, अब वो सीख में सिर्फ चिकन जाने वाला है। मुझे पता है आप लोग क्या बोलोगे, इवान की आँखों के लिए टीवी ठीक नहीं है इतने पास से देखना, लेकिन आज के लिए अब छोड़ दो, क्योंकि आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, ओडिन खाना बना रहा है तो इसको देख नहीं सकते हम। ओके, जब तक ओडिन चिकन को सीख में डाल रहा है, मैं और इवान यहाँ टाइम पास कर रहे हैं। इवान, नहीं मेरे तार से नहीं खेलना, नहीं इसको या तो कैमरा चाहिए या तार चाहिए, बस मेरा फ़ोन चाहिए, कैमरा चाहिए, सब कुछ चाहिए,
खिलौने नहीं चाहिए, खिलौने को छोड़ के सब कुछ चाहिए। अब जिस पतीले में चिकन उबल रहा है वो एकदम सादा पानी है, उसमें बाद में सब्जियां भी उबाली जाएगी और इसमें कोई फ्लेवरिंग नहीं है, इसमें बस उबाला जा रहा है ताकि चिकन का कोई स्मेल वगैरह निकल जाए और बाद में फाइनल सॉस इस क्लीन और फ्लेवरफुल पानी का बनेगा, तो सारी सब्जियां चिकन इसमें आ जाएंगी और बहुत टेस्टी होगा। बब्बू क्या तुम इधर उधर घूमते रहते हो हमेशा, एक जगह बैठ जाओ ना प्लीज़। क्या बब्बू, नहीं अभी मम्मी वीडियो बना रही है, मम्मी वीडियो बना रही है। कुछ सीख बच गए थे तो ग्रीन बीन्स भी डाल दिए इसने अंदर। थोड़ा सा नमक डाला है उसने अभी जस्ट, मैं इवान को देख रही थी तब ये उबलने लग गया। हाँ तो आप समझ सकते हो, ओडिन ने इंग्लिश में बोला है जो चिकन को टेस्टी बनाने के लिए। और ये क्या है, व्हाट इज दिस? जो मैंने पहले आपको बताया था वो सही था, जो फाइनल करी बनने वाली है वो इसी पानी की बनेगी, तो इसी में सारा फ्लेवर है, बाद में और कुछ भी ऐड करने वाला है ओडिन। अब ये ना चाइनीज कुकिंग में ऐसा होता है, सारी चीज़ें सारी सब्जियां एक साथ नहीं जाती एक एक करके, तो जितना कुकिंग टाइम लगेगा उसके हिसाब से पहले चिकन जाएगा, फिर कोई एक सब्जी जाएगी, फिर सबसे सॉफ्ट वाली सब्जियां लास्ट में जाएगी, तो सबका टेक्सचर एक ही जैसा रहे, ज़्यादा गल नहीं जाए, तो ये मैंने यहाँ पे आके सीखा है। बस यहाँ ओडिन नमक चेक कर रहा है, शायद उसको लग रहा है नमक कम है तो वो थोड़ा सा नमक ऐड करने वाला है। अब चिकन में तो नमक अंदर तक जाना चाहिए ही चाहिए, सब्जी में जाए ना जाए, तो चिकन को ज़्यादा उबालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितना चाहे उसको गर्म पानी में रख सकते हो, लेकिन ये सब्जी, ये जो बीन्स हैं इसका शेप नहीं बिगड़ना चाहिए। ओडिन अभी मुझे बता रहा है कि बीन्स ऐसी दिखनी चाहिए, देखिए आप कलर उसका ऐसा ही हरा होना चाहिए और बिल्कुल भी गलनी नहीं चाहिए। तो चाइनीज़ कुकिंग में सब्जियों को जो कम पकाया जाता है उससे कलर और फ्लेवर दोनों बहुत अच्छा रहता है। अब ओडिन बाकी की सब्जियां डाल देगा यहाँ पे। तो ये है बैम्बू और ये भी काफ़ी हार्ड होता है तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम लगता है और इतना ही टाइम लगता है जितना ही दूसरी सब्जियों को, तो उसने बीन पहले निकाल दी ताकि गल ना जाए। और जब तक हमारी सब्जियां पकती है तब तक चिकन यहाँ इस सूप में रखा हुआ है और उसको अंदर ले रहा है। ये देखो चिकन हो गया हमारा तैयार, इसको भी बस पका देना है अंदर तक और कुछ नहीं, पतला पतला काटा था ओडिन ने। इवान हो गया है बोर क्योंकि मैं इतने देर से किचन में हूँ, मेरे को बुला रहा है कब से, आ जाओ मम्मी। तो बेसिकली ओडिन यहाँ बोल रहा है कि ये सेशुआन फूड है, इसको रूम टेम्परेचर पे खाना है, इस पर्टिकुलर डिश को ठंडा करके खाना है, रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा ठंडा भी नहीं, तो ये आइस क्यूब हम डाल रहे हैं यहाँ पे ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। यहाँ पे डिश में टेस्ट टेक्सचर कलर के साथ टेम्परेचर भी मैटर करता है, तो हर एक डिश का एक टेम्परेचर होगा जिसपे खाना सबसे टेस्टी लगेगा। अब ये बैम्बू और ये सब्जी हल्की सी सॉफ्ट हो गई तो इसको भी निकाल देंगे, सबको साथ में रख देंगे। डोंट वरी, किचन काउंटर बहुत साफ है, वहाँ से उठा के खा सकते हैं। अब हमने सारी चीज़ों को एक पॉट में डाल दिया है,
देखते हैं ओडिन क्या डालने वाला है अब इसमें। तो मेरे ख्याल से वो अभी नमक इसमें एडजस्ट करेगा। ये है सेशुआन सॉस, सेशुआन ऑयल एक्चुअली इसको बोलते हैं, सॉस ऑयल कुछ भी आप बोल सकते हो। तो बेसिकली इसमें मेन इंग्रेडिएंट है लाल मिर्च और सेशुआन पेपरकॉर्न, उसको पीस के तिल, एक इनका खड़े मसाले का एक कॉम्बिनेशन होता है वो, और अदरक पाउडर और बहुत सारी और चीज़ें हैं जो थोड़े थोड़े अमाउंट में इसमें रहती है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, यानी ऐसी चीज़ें जो सबको पसंद आए। और ये जो हमने सूप बनाया था फ्लेवरिंग के साथ वो डाल रहा है ओडिन। तो बस ये दो सिंपल चीज़ें हैं इसमें, लेकिन सिंपल होके भी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। ओके, तो टेस्टिंग टाइम फ्रेंड्स। पहले क्या लूँ, बैम्बू, मुझे पसंद है बीन्स, बबू नो, सारा खेल ना इस तेल का है। देखो बीन्स ने ना अंदर तक तेल ले लिया है, ये जो सेशुआन ऑयल है ना ये, ये जो सेशुआन ऑयल है ना फ्रेंड्स, इसकी क्या खासियत है, ये दुनिया के सारे दूसरे ऑयल से अलग है, सारे दूसरे सॉस से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें एक कड़वाहट भी है, थोड़ा सा कड़वापन है, थोड़ा सा एक टेस्ट होता है, नंबिंग टेस्ट बोलते हैं उसको। इसका मतलब है कि जैसे आप मेंटोस खाते हो कैसे अलग सा टेस्ट आता है ना, टेस्ट नहीं बोल सकते उसको, जैसे सुन पड़ गया है मुंह, तो वैसा टेस्ट रहता है सेशुआन पेपरकॉर्न में। तो वो इसका मेन चीज़ है, सेशुआन पेपरकॉर्न और लाल मिर्च और थोड़ा सा ये तिल, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, थोड़ा जिंजर पाउडर वगैरह भी होता है, तो उससे ये इतना टेस्टी बन जाता है ना। तो ये खाने का ओडिन ने बोला था ये सोल है, तो सच में ये सोल है। इसको आप ना ऐसे खा सकते हो सब्जियाँ, और ये आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, और आपका मन करे तो रोटी के साथ भी खा सकते हो। लेकिन अमन, मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए धीरे धीरे खा रही हूँ, नहीं तो मैं एकदम ख़त्म कर देती। तो फ्रेंड्स मैं आपसे विदा लेती हूँ, मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ, हम लोग ये खाना ख़त्म करते हैं और बहुत भूख लग रही है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।